गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंडियन प्रोफेशनल रेसलर सिंगम दुबे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे रिपब्लिक भारत के जो न्यूज़ एडिटर हैं अर्णव गोस्वामी जी, उन्हें मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और क्यों गिरफ्तार किया है उन्हें? क्योंकि उन्होंने सच्चाई का आईना दिखाया है हमें। इसलिए तो मैं आप सभी को बता दूँ कि आज हमें एकजुट होकर के उनका सहयोग देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और मैं जितने भी हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, जितने न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं उन सबसे अनुरोध करता हूं कि आज उन्हें एकजुट होने की ज़रूरत है और साथ साथ पूरे भारत को एकजुट होने की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत। पवना श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय पत्रकार कल्याण मंच आर भारत के मुख्य संपादक और वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी जी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा गुंडागर्दी का परिचय देते हुए, स्वतंत्र पत्रकारिता का गला घोटते हुए उनके घर पर जबरन जाकर गिरफ्तार किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और भारत सरकार से मांग करता हूं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति महोदय और गृह मंत्री, भारत सरकार इस मामले को लेकर अर्णव गोस्वामी पर जिस प्रकार अत्याचार किए गए, इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, ताकि स्वतंत्र पत्रकारिता का गला घोटे जाने से बच सके। जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके घर जाकर सुबह सवेरे 6:30-7 बजे दर्जनों पुलिस कर्मचारियों को ले जाकर स्टेन गनों की मौजूदगी में एक अमानवता का परिचय दिया गया, उनसे मारपीट की गई, उनके परिवारजनों से मारपीट की गई, यहाँ तक कि उन्हें जूते भी नहीं डालने दिए गए और उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाकर पुलिस थाने ले जाया गया। उसको लेकर हालांकि अभी इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं अर्णव गोस्वामी जी पे, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र विधानसभा को फटकार लगाई है। लेकिन इसके बावजूद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उन्हें समर्थन देने वाली कांग्रेस की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी की मिली भगत से उनकी शह पर जिस प्रकार महाराष्ट्र में स्वतंत्र पत्रकारिता का गला घोटकर आर भारत के मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी और उनकी टीम के सदस्यों को निष्पक्ष पत्रकारिता करने से रोका जा रहा है, उसको लेके भारतीय पत्रकार कल्याण मंच उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। और साथ ही भारतीय पत्रकार कल्याण मंच चेतावनी भी देता है कि यदि महाराष्ट्र सरकार ने अर्णव गोस्वामी जी को तुरंत रिहा नहीं किया तो भारतीय पत्रकार कल्याण मंच इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में कड़ा संघर्ष छेड़ने से भी पीछे नहीं हटेगा।